द लास्ट राइड टुगेदर रॉबर्ट ब्राउनिंग की लव पोयम है। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसमें सिर्फ एक स्पीकर होता है और वो अंदर ही अंदर अपने आप से बात कर रहा है। कितनी ही बार हम देखते हैं कि कहने को बहुत कुछ होता है, हमारे अंदर भी एक वर्ल्ड होता है और जिसमें इतने विचार, इतनी बातें चलती रहती हैं कि बाहर से हम साइलेंट लगते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हम जैसे खुद से बात कर रहे हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग में सेम यही होता है कि स्पीकर एक होता है और वो अपने आप से बात कर रहा होता है। उसके अंदर इतने सारे विचार आते हैं जिसे वो रीडर्स को बताता रहता है कि वो कैसा फील कर रहा है। और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पर इस पोयम में हम देखते हैं कि स्पीकर लवर है और उसकी बिलविट इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, इतना होपफुल है लवर कि उसकी बिलविट उसके लव को रिजेक्ट कर देती है, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद भी लवर हिम्मत नहीं हारता, होपलेस नहीं होता, कोई भी गलत डिसीज़न नहीं लेता, कोई रिवेंज की उसके अंदर फीलिंग नहीं होती और वो अपनी बिलविड के लिए दिल से फिर भी दुआ करता है। और जो भी उसके लव का रिजल्ट निकल कर आता है, जो नेगेटिव ही होता है क्योंकि बिलविड ने उसके लव को रिजेक्ट कर दिया, फिर भी वो कितना खुश है, उसके लिए हर पल कितना अच्छा है जो उसने अपने बिलविड के साथ बिताया है। तो यहाँ पर लास्ट राइड टुगेदर को ब्रीफ में एक बार देख लेते हैं। लवर अपनी बिलविट जिसे प्रेमिका कहते हैं, जिससे वो प्यार करता है, और लवर प्रेमी। तो यहाँ पर हम ये दो वर्ड यूज़ करेंगे, लवर एंड बिलविट। बिलविट प्रेमिका को कहते हैं। लवर ने अपनी बिलविट को प्रपोज किया होगा क्योंकि वो उसे काफ़ी टाइम से लव करता आ रहा था और उसने एक दिन हिम्मत कर उसको प्रपोज कर ही दिया कि वो उससे मैरिज करना चाहता है। बिलविट की अपनी कोई मजबूरियाँ रही होंगी या शायद बी लव इट, ये क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हमारी पोयम शुरू होती है तो हमें पता चलता है कि बी लव इट ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, पोलाइटली काफ़ी प्यार से रिजेक्ट कर दिया कि सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती या मैं आपके लव को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जब भी हमारी पोयम शुरू होती है तो हमें यही पता चलता है कि यहाँ पर लव रिजेक्ट हो चुका है हमारे लवर का और वो बता रहा है कि फिर उसके साथ क्या होता है, उसके अंदर किस तरह के विचार आ रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पर लवर, क्योंकि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, क्योंकि अब तुमने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर ही दिया, तुमने ये बता दिया कि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है या तुम मजबूर हो मेरे प्यार को एक्सेप्ट ना करने में, कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया, ये मेरे नसीब में लिखा था, मुझे पता चल चुका है कि ये मेरी किस्मत में था, ऐसा होना था, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, ये सब ऊपर वाले ने लिखा ही था, ये होना ही था मेरे साथ, तुम्हें मेरी लाइफ में आना था, मुझे तुम्हें प्रपोज करना था लेकिन तुम्हें उसे रिजेक्ट करना था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया, क्या हुआ अगर मैं अपनी लाइफ में तुम्हें पूरी तरह से नहीं पा सका, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे से ना तो कोई तुमसे कोई शिकायत है और ना ही मुझे भगवान से कोई शिकायत है। तो देखिए कितनी होपफुलनेस, कितनी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है यहाँ लवर की कि वो भगवान से भी कोई शिकायत नहीं कर रही है, ना ही उनके मन में बिलविट के लिए किसी भी तरह की कोई रिवेंजफुल फीलिंग्स है, कोई शिकायत नहीं उनके मन में, जैसे भी उनके साथ हुआ है उन्होंने उसे हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया। और मुझे पता है कि जो भी मेरे भाग्य में लिखा हुआ था यही लिखा हुआ था और ऐसा ही होना था, क्योंकि जो ऊपर वाले ने एक बार हमारे किस्मत में लिख दिया उसे दुनिया की कोई भी ताकत चेंज नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैं दिल से दुआ करता हूँ तुम्हारे लिए कि तुम हमेशा खुश रहो, दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें मिले। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैंने तुम्हें प्यार किया और इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स पे करूंगा कि तुम मेरी लाइफ में आई, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। मैं अब तुम पर अपना कोई क्लेम नहीं कर सकता, तुम पर मैं अपना कोई हक नहीं जता सकता,
लेकिन जो मेमोरीज मेरे पास हैं, वो पल जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं, वो तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता ना। उन पर मेरा अधिकार है और हमेशा रहेगा। बस अब जब सब कुछ ख़त्म हो ही चुका है, तो एक बार प्लीज़, अगर तुम नाराज ना हो तो एक बार बस लास्ट टाइम मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि आज के बाद ना तो हम कभी मिलेंगे और ना ही मैं कभी तुम्हें प्रपोज करूँगा। तो इस लास्ट मीटिंग में मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बस एक बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक बार घूमने चलो, एक बार सवारी करो, राइड। राइड कहते हैं सवारी, हॉर्स कैरिज, हॉर्स कैरिज घोड़ा गाड़ी पर। बस मैं चाहता हूँ कि एक बार हम दोनों साथ बैठकर घोड़ा गाड़ी पर कुछ दूर तक सवारी करें। अगर तुम्हें बुरा ना लगे, मेरे लिए वो सब कुछ होगा। जब लवर ने बिलविट को ये रिक्वेस्ट की लास्ट टाइम, तो लवर बता रही हैं पोयम में कि बिलविट कुछ देर के लिए साइलेंट रहती है। शायद बिलविट के अंदर भी एक पैराडॉक्स है, एक कुछ चल रहा है कि वो ना करे, हाँ करे, क्या करे। जब तक बिलविट उनको जवाब देती है, तब तक लवर कहते हैं कि जैसे उनकी सांसें रुक गई थी, उनकी धड़कन रुक चुकी थी, उनकी रगों में जो खून बह रहा था, जैसे कि वो कुछ पल के लिए रुक गया था। उनके लिए वो एक जिंदगी और मौत का सवाल था। अगर बिलविट ने ना कह दिया, नो कह दिया, तो जैसे कि वो जी नहीं पाएंगे, उनके लिए सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर बिलविट ने हाँ कह दिया, तो उन्हें एक नई जिंदगी मिल जाएगी। जितनी देर तक बिलविट सोच रही थी कि हाँ कहे ना कहे, तब तक जैसे कि लवर की सांसें रुकी हुई थी, उनकी रगों का खून पूरी तरह से रुक चुका था, और फौरन बिलविट ने कहा, ओके ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूंगी, लेकिन ये लास्ट राइड होगी, ये हम दोनों की एक साथ लास्ट राइड होगी। इसके बाद ना तो मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगी और ना ही हमारा कोई भी रिलेशन रहेगा। इतना सुनते ही लवर को ऐसे लगा जैसे कि उसके शरीर में वो खून जो रुक चुका था, फिर दोबारा चलना शुरू हो गया, जैसे कि उसे एक नई जिंदगी मिल गई, जैसे कि वो सब कुछ हार चुका था लाइफ में, लेकिन अब सब कुछ वापस आ गया। लवर नहीं बता सकता, वो लिखते हैं कि मैं नहीं बता सकता कि मैंने उस टाइम ऐसे फील किया कि जैसे मुझे एक नया जीवन दिया हो मेरी बिलविड ने या भगवान ने। थैंक्स गॉड, कम से कम मेरी लास्ट डिज़ायर तो फुलफिल हो गई, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी ये लास्ट इच्छा, मेरी अंतिम इच्छा तो बेकार नहीं गई। अब कितना अच्छा लगेगा कि जब मैं और मेरी बिलविड हम हॉर्स कैरिज में एक साथ बैठे होंगे, आमने सामने, साथ साथ बिल्कुल, और साथ साथ हम सांस लेंगे, साथ साथ हम सवारी करेंगे। ओ माय गॉड, मैं एक दिन के लिए, वो सब सोच रही हैं, लवर सोच रही है, वो कह नहीं रही है, ये सब उनके अंदर चल रहा है, क्योंकि वो हमें कहानी बता रही हैं। मैं एक दिन के लिए फिर गौड़ बन जाऊंगा। देखिए, वो अपनी कंपैरिजन गौड़ से करते हैं, उनको लग रहा है कि जब मेरी बिलविड मेरे साथ होगी, तो वो ऐसा फील करेंगे जैसे कि वो पूरी दुनिया के, इस पूरी यूनिवर्स के भगवान हैं, देवता। मैं एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं देवता बन जाऊंगा। और क्या पता, कौन कह सकता है कि क्या पता वो रात जब मेरी बिलविड मेरे साथ बैठकर सवारी कर रही होगी, वो रात ही आखिरी रात हो, क्या पता ये दुनिया उस रात ही ख़त्म हो जाए। हु नोस, किसको पता है। तो यहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चल रहे हैं। कोई भी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, किसी भी तरह की एक फेलर फीलिंग लवर के माइंड में नहीं है, वो इसके बाद भी खुश हैं। शाम को लवर बताते हैं कि वो वेट कर रहे होते हैं अपनी बिलविट का, क्योंकि शाम को ही उनको राइड पर जाना होता है, ये लास्ट राइड होती है उन दोनों की। और जैसे ही वो देखते हैं कि उनकी बिलविट आ रही है, सामने से आ रही है घोड़ा गाड़ी में बैठकर, और उनकी तरफ आ रही थी, क्योंकि आज उनको सैर के लिए जाना था, सवारी के लिए जाना था, लवर की आँखें नहीं हटती उन पर से। उनको लगता है, जैसे वो कहते हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे सामने से बादल चलकर आ रहे हों, या ऐसे लग रहा था जैसे कि जो सेटिंग सन होता है,
उसकी इतनी प्यारी रोशनी होती है, जैसे कि वो सामने हो, या वो कंपैरिजन करते हैं, देखिए बादल से, सूरज से, चंद्रमा से, जैसे कि चंद्रमा जब आकाश में आता है तो वो कितना सुंदर लगता है, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे सामने से चंद्रमा आ रहा हो, या जैसे कि सारे सितारे चलकर आ रही हों, सितारों से वो कंपैरिजन करते हैं, नहीं ऐसे लग रहा है जैसे कि सब एक साथ मिलकर आ रही हैं, बादल के साथ जैसे कि सेटिंग सन आ रहा है, या मून राइजिंग की जो प्रकाश होता है उसकी रोशनी होती है, सारे सितारे जैसे एक साथ मिलकर मेरे पास आ रहे हैं, और वो मेरे इतने करीब आ जाते हैं, और करीब कि मैं अपना एग्जिस्टेंस ही भूल जाता हूँ, मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ किसे देख रहा होता हूँ, अपनी बीलवीट को। ऐसा क्यों कह रही हैं लवर? क्योंकि उनको पता था कि ये उनका लास्ट मोमेंट है जब वो अपनी बीलवीट को देख रहे हैं, या उनके साथ वो कुछ मोमेंट फिर पास करेंगे, इसीलिए वो यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि बस जो भी मोमेंट है वो यही है, और इससे पहले कि ये हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया जाए, मैं जी भर कर इसको देख लेना चाहता हूँ। उनकी बिलवीड आती है और वो उनके शोल्डर पर, उनके कंधे पर अपना सिर रखती है, लवर के कंधे पर, और बैठ जाती है, कुछ नहीं बोलती। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग है ना, लवर कुछ बोल रही है ना बिलवीड कुछ बोल रही है, ये जो भी बातें पोयम में लिखी है ये सब लवर के इनर थॉट्स हैं, वो सोच रहे हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। जैसे ही बिलवीड उनके पास आकर बैठती है, वो उसी पोज में रहती है। लवर बताते हैं यहाँ पर, पोएट लिखते हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे कि दोनों ही उनके अंदर चल रहे थे, अंदर खुशी भी थी, बहुत ज़्यादा आनंद भी फील कर रहे थे वो, लेकिन एक डर भी था, खुशी इस बात की कि उनकी बिलविड ने उसकी इस डिज़ायर को फुलफिल किया, और डर इस बात का कि आज के बाद वो कभी भी मिल नहीं पाएंगे। उसके बाद वो दोनों राइड पर निकल जाते हैं, उनकी कैरिज चलने लगती है, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, लव का, लव की पावर बताई है, विलियम शेक्सपियर ने भी ये पावर बताई, काफ़ी पोएट्स ने इसके बारे में बताया है, व्हाट इज लव, कि बिना प्यार के हमारी आत्मा अंदर से मुरझा जाती है, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाती है, और प्यार में इतनी शक्ति होती है कि अगर ऐसे लगता है जैसे कि हमारी अंदर से जड़ें सूख चुकी हैं, और प्यार की कुछ बौछारे, सिर्फ प्यार की कुछ बूंदें उसे अंदर से तरोताज़ा कर देती है। पोएट और लवर के साथ भी यहाँ सेम यही हुआ, लवर ने बहुत अच्छी कंपैरिजन की है यहाँ पर, उन्होंने बताया है कि जैसे ही बिलवीड उनके पास आती है, उनको ऐसे लगता है कि उनकी आत्मा जो मुरझा चुकी थी बिना प्यार के, जो सिकुड़ चुकी थी, जैसे उन्होंने कंपैरिजन की है अपनी आत्मा की एक क्रैम्प्ड या क्रश्ड पेपर के साथ, जैसे कागज होता है वो पूरी तरह से मुड़ जाता है, और जब वो मुड़ जाता है तो एक तरफ पड़ा रहता है, वो उड़ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही उनकी बिलवीड उनके साथ आई, उनको ऐसे लगा कि उनकी आत्मा एक फ्रेश पेपर के समान हो चुकी है, और वो अब ताजी हवा में उड़ रही है, जैसे कि आत्मा को एक नया जीवन मिला हो। अब वो सब भूल जाते हैं, मैं क्यों सोचूं उस मोमेंट के बारे में कि वो मुझसे शादी करेगी नहीं करेगी, वो मेरी वाइफ बनेगी या नहीं बनेगी, ये सब बातें सोचकर क्या फ़ायदा, अब जो हो चुका वो हो चुका है, मैंने ये सब डिज़ायर्स, ये सब इच्छाएं मैंने पीछे छोड़ दी, मैंने उन्हें भुला दिया, मैं क्यों उस मोमेंट को याद करूं जिसने मुझे फेलर प्रोवाइड की है, उसे सोचकर फ़ायदा भी क्या, मैं ऐसा जीवन याद ही क्यों करूं जिसमें सिर्फ मुझे दुख मिले, और उससे फ़ायदा भी क्या है मुझे, अगर मैं ये सोचूं कि अगर मैं इस तरह से प्रपोज़ करता या मैं उस तरह से प्रपोज़ करता, अगर मैं ये कहता तो शायद वो मेरी बात मान लेती, अगर मैं वैसा कहता तो शायद वो मुझे एक्सेप्ट कर लेती, नहीं, इन्हें सोच सोच कर क्या फ़ायदा, इससे सिर्फ मुझे दुख ही होगा ना, और ये भी तो हो सकता था कि वो मुझसे नफ़रत भी करने लगती अगर मैं किसी और तरीके से उसको प्रपोज़ करता, किसको पता है कि क्या होता, ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे हो सकता है कि नुकसान भी उठाना पड़ जाता, लेकिन अब देखो मैं कहाँ हूँ, वो मेरे साथ है, और हम दोनों एक साथ गाड़ी में सवारी कर रही हैं, क्या ये मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है,
ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और यही मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर मैं क्या इस दुनिया में अकेला ही ऐसा हूँ जिसने फेलर गेन की है, जिसे असफलता मिली है, जो अपने कामों में सफल नहीं हो पाया हो? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो मेहनत करते हैं लेकिन सफल कितने होते हैं। मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ कि जिसे मेहनत का फल नहीं मिला। मुझे तो फिर भी कुछ मिला है, और क्या मिला है कि मैं अपनी बिलवीट के साथ हूँ। इस पल मेरे लिए यही सब कुछ है। ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरी आत्मा एक पक्षी बनकर उड़ती जा रही है और नई नई प्रदेश, नई नई जगह को देख रही है। सब कुछ नया लग रहा है। देखिए, स्टेम लवर को सब कुछ नया लग रहा है। सभी लोग मेहनत करते हैं लाइफ में, लेकिन कभी ना कभी सभी को असफलताओं का सामना करना ही पड़ता है। हम हमेशा ये देखते हैं कि जो हमारे पास होता है वो हमें हमेशा छोटा लगता है, लेकिन जो हमारे पास नहीं होता वो हमेशा हमें बहुत बड़ा लगता है। हम हमेशा उसी को देखते हैं, उसी पर रोते हैं जो हमें मिला हुआ नहीं होता। अब ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उस पल के लिए रोऊं जब मेरी बिलवेड ने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट किया, या मैं ये सोचकर खुश हूँ जो मुझे मिला है। और क्या मिला है? दैट शी इज विद मी दिस टाइम, कि वो इस टाइम मेरे साथ है। और फिर हमारी एक लिमिट है, हमारी बॉडी की एक लिमिट होती है। जितना हमारे माइंड की कोई लिमिट नहीं होती, वो किसी भी लिमिट में जाकर उसको क्रॉस कर सकता है, वो कितना भी सोच सकता है, लेकिन हमारे हैंड्स वो इतना नहीं कर सकते। कौन ऐसा इंसान है जो ये कहेगा कि जितनी भी मैंने कल्पनाई की, प्लानिंग बनाई, मेरी सारी फुलफिल हुई है, एग्जैक्ट मैंने जैसा सोचा था ऐसा ही हुआ है? नहीं, 100% हम जैसा सोचते हैं ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमारे हाथों की और हमारे दिमाग की एक लिमिट होती है। दिमाग कुछ भी सोच सकते हैं लेकिन हाथ उन्हें पूरा नहीं कर सकते। मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड है कि मेरी बिलविट मेरे साथ है। सभी को रिवॉर्ड मिलते हैं। हर आदमी को कुछ ना कुछ उनकी मेहनत का जरूर फल मिलता है, और मुझे भी ये फल मिला है। मेरा भी ये पुरस्कार है जो मुझे गॉड की तरफ से मिला है, और मैं इसमें काफ़ी खुश हूँ। अगर कोई किसी पॉलिटिशियन की डेथ हो जाती है, कोई राजनेता अगर मर जाता है, तो उसे भी उसका अवार्ड मिलता है। और उसका ये रिवॉर्ड होता है कि उसके डेथ के बाद 10 लाइन्स में उसकी लाइफ की सारी अचीवमेंट्स को लिख दिया जाता है। लेकिन लाइफ के बाद अगर कोई सैनिक शहीद हो जाता है, तो उसके शरीर को भी एक झंडे की सलामी दे दी जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि उनकी कब्र पर उनका नाम लिख दिया जाता है। लेकिन ये सब पुरस्कार मिलते हैं उनको उनकी डेथ के बाद, उनके इस दुनिया से जाने के बाद। लेकिन मुझे देखो, मुझे तो मेरी, जब मैं जिंदा हूँ, जब मैं इस दुनिया में हूँ, मुझे तो तभी पुरस्कार मिल गया ना। इससे अच्छी क्या बात है? इससे अच्छा तो कोई रिवॉर्ड हो ही नहीं सकता कि मुझे मेरे जीते हुए ही ऊपर वाले ने इतना अच्छा पुरस्कार दिया है। हम यहाँ पर लवर बहुत अच्छी कंपैरिजन करता है पोएट की, कि एक पोएट सबसे ज़्यादा इमेजिनेटिव होता है। वो इतनी कल्पना करता है, अपनी कल्पना में वो सब कुछ गेन कर सकता है अपनी पोएम्स में, लेकिन फिर भी उसे वो सब कुछ नहीं मिला होता जिसे वो सिर्फ अपनी पोएम्स में लिखता है। लेकिन मुझे देखो, मैं तो वो सब कुछ पा चुका हूँ जो मैं चाह रहा था। और ठीक है, मुझे सब कुछ नहीं मिला, लेकिन जितना भी मिला है मैं उसी में खुश हूँ। पूरी ज़िंदगी एक मूर्ति बनाने वाला एक मूर्ति बनाता है, वो इतनी मेहनत करता है, उसकी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है वो एक तस्वीर बनाने में, एक अच्छी मूर्ति बनाने में, वो कितनी भी सुंदर हो। लेकिन अगर उसकी कंपैरिजन करते हैं एक जिंदा लड़की के साथ, तो उसकी उस मूर्ति की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। उसकी मूर्ति उस जिंदा लड़की के सामने बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो उसकी तो लाइफ की सारी मेहनत बेकार हो गई ना। लेकिन मुझे तो फिर भी रिवॉर्ड मिला है क्योंकि मैं अपनी बिलवीट के साथ हूँ। एक म्यूजिशियन से वो कंपैरिजन करते हैं कि म्यूजिशियन इतने अच्छे अच्छा म्यूजिक देता है, पूरी लाइफ मेहनत करता है, लेकिन जैसे ही नया म्यूजिक आता है तो उसका म्यूजिक पुराना हो जाता है, क्योंकि फैशन रोज़ चेंज होते हैं, लोगों का इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, तो उसकी मेहनत भी बेकार हो जाती है क्योंकि उसका म्यूजिक हमेशा नहीं रहता। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है कि मेरी बिलवीड मेरे साथ है। ये सब विचार आ रहे हैं,
लवर्स के अंदर, और वो बहुत खुश हैं अपने इस मोमेंट में क्योंकि उनकी लास्ट राइड है उनकी बिलविट के साथ। और इतनी ऑप्टिमिज्म है इस पोयम में कि यहाँ रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी फिलॉसफी प्रेजेंट की है, उनका गॉड पर विश्वास, उनका रिबर्थ पर विश्वास, पुनर्जन्म पर उनका विश्वास है, कि जो हिंदू मिथोलॉजी में है, क्रिश्चियन मिथोलॉजी को नहीं मानती है, क्रिश्चियन लोग रिबर्थ में बिलीव नहीं करते, लेकिन यहाँ पर इस पोयम में हम देख सकते हैं कि लवर को पूरा विश्वास है कि इस जन्म के बाद भी एक दूसरा जन्म है। और कौन जानता है, किसको पता है, हु नोज, कौन जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये भी तो अगर ऐसा होता